बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत का मामला सामने आया है। भाई हार्ट अटैक से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी, क्योंकि लगातार सवाल भी उठ रहे हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के। बांदा समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई और मौत की न्यायिक जांच भी होगी। इसके लिए 3 सदस्यों की टीम जो है वो बनाई जाएगी। तो डॉक्टरों का पैनल आज पोस्टमार्टम करेगा, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, पोस्टमार्टम के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा और 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। मौत की न्यायिक जांच भी होगी। ये बड़ी खबर, 2 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा परिवार के सामने और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत, और मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका, तो पूरा देश जान चुका। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से भेजा। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे? मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। सर आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के? आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया, उन्होंने माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। तीसरी जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे।